नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। अब एक ऐसी खबर जो एटीएम इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के लिए जरूरी है। पुणे में पुलिस ने एटीएम में ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गैंग माचिस की तीली के सहारे एटीएम हैंग करके ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पैसा निकालने वाले के जाने के बाद ये फंसे हुए नोटों को बड़ी आसानी से निकाल लेता था। ये गिरोह एक महीने में 13 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुणे से अजय कामले की रिपोर्ट। एक माचिस की तीली और ब्लेड के जरिए आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये सुनकर हैरान मत होइए। पुणे की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो माचिस की तीली और ब्लेड की मदद से एटीएम मशीन को हैंग करके लोगों को चपत लगा रहा था। साइबर सेल ने गिरोह के मोहम्मद अकरम अंसारी और मोहम्मद खुर्शीद अंसारी नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक महीने में 13 से ज्यादा ऐसी शिकायतें मिली कि पैसे निकालते वक्त एटीएम मशीन हैंग हो गई। पैसा निकलता नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद ट्रांजैक्शन का मैसेज आ जाता था। नंबर डाला, पैसे निकालने आए तो नंबर दबाया था, लेकिन वो पैसा आई नहीं, हम हैंग हो गया था। तो पैसा आया नहीं, कुछ भी नहीं। 10-15 मिनट के बाद बाहर जाने के बाद हमने देखा तो मैसेज आया कि हमारा 10,000 रुपये अकाउंट में से गया। मैंने जब अमाउंट डाला, मेरा अमाउंट के बाद जब मैं इंटर किया, तो इंटर करने के बाद पूरा मशीन हैंग हुआ ऐसा लग रहा है। मुझे लगा मशीन खराबी है, तो मैं कार्ड निकाल के चल गया। मैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे 10 मिनट के बाद मैसेज आने के बाद पता चला कि मेरे पैसे गए। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये गिरोह वारदात को अंजाम दे रहा था। माचिस की तिल्ली को जो यहाँ पे कीपैड दिखाया गया है, उसमें लेफ्ट साइड जीरो बटन के लेफ्ट साइड का जो बटन होता है, उसके अंदर ये माचिस की तिल्ली डाल देता है। इस तरह से इससे सिस्टम स्लो हो जाता है। जब आप कौन सा ही बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो वो बटन कोई भी प्रेस नहीं हो सकता। माचिस की तिल्ली लगाया है, उस माचिस की तिल्ली को इस ब्लेड से निकाल देता है, इस ब्लेड से निकाल देता है। इस तरह से इस तिल्ली को माचिस ब्लेड से निकाल देता है। जब यह तिल्ली निकल जाने के बाद सिस्टम फिर से वर्क करने लगता है। ग्राहक के पीछे जो आरोपी खड़ा होता है, वो सबसे पहले ग्राहक ने दबाया हुआ पिन जो होता है वो देख लिया होता है। उसके बाद यस बटन दबा के अगला ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं। इस तरह से और ऐसे पैसे निकालकर निकल जाते हैं। गिरोह पकड़ में तब आया जब साइबर सेल के एक कांस्टेबल आदेश चलवा दी पुणे के शिवाजी नगर स्थित केनरा बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। एटीएम के अंदर दो लोग कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। कांस्टेबल को जब शक हुआ तो उसने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पहले तो वो आनाकानी करते रहे, जब कांस्टेबल ने सख्ती की तो अपना गुनाह कबूल कर लिया। आपने अगर पासवर्ड डाला है और अगर पैसा नहीं निकल रहा है तो ट्रांजैक्शन कैंसिल करके ही बाहर आना है। कैंसिल का बटन दो बार दबा के आप फिर बाहर आना है, तो फिर आपके पैसे किधर नहीं जाएंगे। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। अब तक इन्होंने एक ही एटीएम से 30,000 रुपए तक निकाले हैं। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के लोगों ने दूसरे शहरों में भी वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस पूछताछ करके इन साथियों की तलाश में जुट गई है। ये काफी हैरान कर देने वाली मोडस है, और इस मोडस के तहत शायद काफी कम लोगों को पता हो सकता है कि यहाँ पर एक तिली और ब्लेड के जरिए किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया किया जा रहा है। और पुणे साइबर सेल अब इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है कि यहाँ पर इस गिरोह ने इस तरह से तिली और ब्लेड के जरिए कहाँ पर कौन से एटीएम से लोगों के पैसे चुराए हैं। कैमरामैन सूरज के साथ अजय कामले, इंडिया टीवी, पुणे।